वेलकम बैक टू सुमन की रसोई। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, देखिए सिंघाड़े का आटा मैंने छान लिया है। मैं लेके आई हूँ आपके लिए सिंघाड़े का हलवा। व्रत में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। इसलिए आप मिठाई लड्डू से अच्छे कि घर में शुद्ध देसी घी में व्रत का हलवा बनाइए, गर्मा गर्म खाइए। हमने कढ़ाई रख दिया है, गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें देसी घी डालूंगी अच्छे से। देखिए फ्रेंड, घी हमारी गर्म हो चुकी है। अब मैं ये सिंघाड़े का आटा इसमें डालूंगी। देखिए फ्रेंड, हमें इसको घी में अच्छी तरह से चला देंगे, अच्छी तरह से ब्राउन होने तक मैं भून लूंगी। देखिए फ्रेंड, मैं अच्छी तरह से घी में मिला ली हूँ। अब अच्छे से मैं इसे चलाती रहूंगी जब से हल्का ब्राउन न हो जाए, तब तक चलाती रहूंगी कि जले ना। और गैस मीडियम मीडियम पे है। मैं देखिए इसी प्रकार से चलाती रहूंगी, नहीं तो जल जाएगा, छोड़ दूंगी तो। अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब ये बहुत जल्दी झटपट बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। आटा का हलवा बनाने में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 5 मिनट में झटपट सिंघाड़े का हलवा बना के तैयार कर लीजिए। देखिए ब्राउन हो चुका है। अब मैं गैस को कम कर दूंगी थोड़ी देर तक। मैंने गैस को कम कर दिया है, थोड़ी देर और चलाऊंगी। कहीं देखिए अच्छा सा हो गया है। अब मैं इसके गैस कम कर दिया है, मैं इसके हिसाब से देखिए चीनी निकाल लिया है। मैं चीनी डालूंगी, देखिए थोड़ा सा मीठा रहेगा तभी अच्छा लगता है। घर में ही मिठाई बनाइए शुद्ध अपने हाथों से। हमने चीनी डाल दिया है, देखो। अब मैं इसमें पानी डालूंगी धीरे धीरे, देखो। थोड़ा सा और पानी डालूंगी, दोनों लंच न बना रह जाए, इसलिए मैं पानी डाल के अच्छे से चलाऊंगी। इसमें गुठलियां न रह जाए, लंच न बने रह जाए, इसलिए अच्छे से चला दूंगी। ऐसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब मेरा गाढ़ा होने लगा है हलवा, गाढ़ा होने लगा है। मैं इसको ऐसे ही चलाते रहूंगी, नीचे पकड़े ना, इसलिए बड़े ध्यान से ऐसे धीरे धीरे चलाती रहूंगी। अब देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखिए घर में बनाइए झटपट, सेहत के लिए भी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मिलावट नहीं है, और घर में ही स्वादिष्ट सिंघाड़े का हलवा बनाइए व्रत में। गरम गरम सर्व करिए, देखिए अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। थोड़ी देर और मैं पकाऊंगी इसको, देखिए देखिए दो मिनट तक और मैं इसे चलाती रहूंगी। देखिए सर हलवा बनके
सिंघाड़े का हलवा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा कम करके गैस, मैं इसमें घी डालूंगी थोड़ी सी, और मैं देखिए एक चम्मच थोड़ी और लेती हूँ, दो चम्मच मैंने घी डाल दिया है। अब घी डाल के अच्छे से चला लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, झटपट बनाइए सिंघाड़े का हलवा, झटपट खाइए, टेस्टी और स्वादिष्ट, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है, इसलिए आप घर में ही बनाइए, बाहर से लाने की क्या जरूरत है। अब मैं इसको चल रही हूँ थाली में फैलाने के लिए। देखिए अच्छे से हमने चला दिया है। देखिए फ्रेंड, मैं इसको थाली में निकाल के अच्छे से फैला दूंगी। देखिए हमने अच्छे से फैला दिया है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। सिंघाड़े का हलवा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके चाकू की सहायता द्वारा, चाकू से मैं इसको देखिए इसको ऐसे ऐसे देखिए कितने अच्छे